गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। सैकड़ों महिलाओं ने साफ पानी के लिए डीएम ऑफिस पर किया बवाल। जहरीले पानी से मर रही मासूम जनता ही नहीं, पशु व जानवर भी बेहाल। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आजादी के 75 साल बाद भी गाजीपुर जिले की हरिहरपुर गांव में रहने वाली हजारों गरीबों व दलितों की बस्ती जहरीले आर्सेनिक पानी पीने को मजबूर है। गांव के मासूमों, युवाओं व बुजुर्गों के साथ साथ पशुओं पर भी आर्सेनिक का असर दिखता है। कमजोर व दिव्यांग लोगों का ये गांव जनप्रतिनिधियों की अनदेखी व जिला प्रशासन के साथ साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। समस्या से आज ही जाकर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने जहरीला पानी लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और चेतावनी दिया कि दो दिन के अंदर गांव के लोगों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करने वाले गरीबों का नेतृत्व एक ऐसा चेहरा कर रहा था जो जिले की मौजूदा LG व पूर्व संचार व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का प्रतिनिधि रह चुका है। इस बाबत जब नेतृत्वकर्ता सिद्धार्थ राय से बात की गई कि प्रदेश व देश में उन्हीं की सरकार है और मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर व्यक्ति के सानिध्य में उनका सामाजिक सफर चलता है तो पानी के लिए निवेदन क्यों, सिद्धार्थ राय ने कहा कि यह समस्या पिछले 5 वर्षों से तेजी से बढ़ी है। गांव में इस पानी को पीने के बाद दर्जन भर लोगों की इन दिनों मौत भी हो गई। अब तो हालत यह है कि पशु और कुत्ते भी पानी पीने से बचने लगे हैं और सीधे साधे ग्रामीण भीषण ताप, लहरी व गर्मी के बीच दूसरे गांव से पैदल पानी लाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थी, इसलिए तत्कालीन कार्यालय प्रभारी ADM ने सिद्धार्थ राय के साथ पहुंची, जनता से बात की और संबंधित विभागों के साथ साथ अन्य लोगों को टेलीफोनिक निर्देश भी दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक गांव के लोगों को हर हाल में पेयजल व जरूरत का पानी किसी तरह मुहैया कराया जाए। आप एक समाजसेवी हैं और तमाम गरीब और असहाय लोगों के लिए काम करते रहते हैं, पूर्व सांसद के प्रतिनिधि भी रहे हैं, बहुत कद्दावर व्यक्ति हैं और काफ़ी मजबूत हैं आप सत्ता सरकार में, फिर भी अपने लोगों को लेकर पानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिकारपुर गांव जो पिछले बहुत सारे सालों से प्यासा है, 2021 तक यहां पर धावा गांव से पानी पहुंचता था, लेकिन 2021 के बाद इस गांव में पानी पहुंचना बंद हो गया। 2016 में भी एक बार टंकी धावा गांव की ख़राब हुई थी, तब उस समय मैंने जिलाधिकारी से बात करके उसको चालू कराई थी, लेकिन 2021 में फिर से खराब हो गई। गांव के लोग चिल्लाते रह गए, अधिकारियों के यहाँ दौड़ते रह गए, भागते रह गए, लेकिन कोई भी एक आदमी निकल करके 2021 से आज 2024 हो गया उस टंकी के पास नहीं आया देखने के लिए कि गांव के लोग पानी कैसे पिएंगे। गांव का पानी इतना ज़्यादा खराब है कि गांव में इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, गाय भैंस की बात छोड़ दीजिए, अगर किसी प्यासे कुत्ते को भी पानी देंगे ना तो वो पानी गाँव का कुत्ता नहीं पिएगा। और गाँव के लड़के अगर पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करें, साबुन शैम्पू लगा करके, तो उसको सर पर डालेंगे तो साबुन जो शरीर का है वो भी नहीं निकलता है, झाग नहीं छोड़ता है, कुछ इस तरह की स्थिति है। गांव के छोटे छोटे बच्चे जो कहने के लिए तो सरकारी स्कूल खोल दिए गए, मिड डे मील भी मिल रहा है, लेकिन सोचिए वो सुबह उठ करके साइकिल पर डब्बा ले लेकर पानी लादने के लिए सबसे पहले गाँव से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं, दूसरे गाँव में फिर आते हैं, तो वो सोचिए स्कूल जाएंगे या फिर पानी ढोने का काम। आप ही की सरकार है, आपसे जुड़े लोग हैं, केंद्र में भी सरकार है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ना लड़ाई पक्ष है, ना विपक्ष है, ना किसी व्यक्ति से है, हमारी लड़ाई पूरे गांव की लड़ाई सिर्फ पानी के लिए है। जो हमें पानी उपलब्ध कराएगा हम सब लोग उसके होंगे, और जो पानी उपलब्ध कराने का काम नहीं होगा हम सब उसके खिलाफ। ऐसे में आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, अधिकारियों से वार्ता हुई क्या?